आदाब एवरीवन, एक और रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे कैप्सिकम रिंग्स, शिमला मिर्च के रिंग्स बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने दो शिमला मिर्च ले ली हैं। अब हम इन्हें गोल काटेंगे। पहले ये ऊपर की डंडी निकाल देंगे, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, ये रिंग कट गए हैं। ये देखें, ये बीच का भी हम निकाल देंगे इस तरह। ये देखें, ये इस तरह ये रिंग बन गए हैं आपके सामने। इसी तरह सबका करेंगे। ये देखें, इस तरह रिंग काट ली है, बीच का मैंने निकाल दी, आप देख सकते हैं। अब हम एक प्याला लेंगे, ये खाली प्याला ले लिया। अब इसमें हम बेसन डालेंगे एक कप, ये देख सकते हैं आप, एक कप बेसन डाल रही हूँ मैं। डाल दिया, थोड़ी सी अजवाइन डाल दें, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, मिर्चें अपने हिसाब से, मैं पिसी हुई भी डाल रही हूँ मिर्चें, थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी हल्दी, नमक डालेंगे अब हम, थोड़ा सा नमक डालूँ मैं अपने हिसाब से, बस इतना। थोड़ा सा मीठा सोडा डालूँगी चुटकी भर, ये देख लें चुटकी भर डाल रही हूँ मैं मीठा सोडा। अब पानी डाल के इसे घोलेंगे, अब पानी डालेंगे थोड़ा सा, ये देखें। अब इसे मिलाएंगे, पानी डाल दिया, अब इसे मिलाना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा और पानी डाला, इसे अच्छे से मिलाएंगे, कोई गुठली ना बने। ये देख लें, बेसन हमने घोल लिया है, कोई गुठली नहीं है, कोई लम्स नहीं है। नमक मिर्चें अपने हिसाब से डाला करें, मैं बार बार बता रही हूँ आपको, क्योंकि हर किसी का अपना टेस्ट होता है। कोई नमक ज़्यादा खाता है, मिर्चें ज़्यादा खाता है, कोई मिर्चें नमक कम खाता है, तो इसलिए अपने लिहाज से नमक मिर्चें डाला करें। ये मैंने चूल्हा जलाकर कढ़ाई तेल डालकर चढ़ा दिए और आँच धीमी रखी है अभी मैंने। आप चाहें तेज़ आँच पर तेल गर्म कर लें, मैंने धीमे रखा है अभी। जब तेल गर्म हो जाएगा तो फिर हम शिमला मिर्च करेंगे, इसमें फ्राई करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया, अब हम शिमला मिर्च करेंगे, इसमें फ्राई करेंगे। ये शिमला मिर्च करेंगे, ये उठाएंगे हम दो। ये हमारा बेसन खुला रखा है, इसमें डालेंगे, इसमें लपेटेंगे अच्छे से इसे। ये लपेट दिया, अब एक एक उठा के लपेट दिए, ये उठा के नीचे हाथ करके ये उठा रखें। दूसरा इसी तरह सारे डालेंगे। ये एक हो गया, मैंने इसे पलट दिया, बाकी मैंने डाल दिए। अब मैं इन्हें पलटूँगी, जो हो गए ये मैंने पलट दिए हैं। ये वाला पलटेंगे हम इस तरह करके, पलट रही हूँ मैं इसे, इस तरह इसी तरह इसको पलटेंगे, इस तरह ये पलट दिया, ये कैसे भी पलटेंगे, पलट दिया। जब ये गोल्डन हो जाएंगे तो फिर इन्हें हम पलटेंगे। ये देखें, हमारे दो हो गए, इनको हम निकाल लेंगे। ये देखें, ये दो हो गए, इनको हम निकाल लेंगे अच्छे से तेल निकाल के। बाकी भी हमारे नहीं हुए, अगर अच्छे से वो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं उन्हें भी प्लेट में निकाल लूँ। ये हमारे हो गए, इनको भी मैं प्लेट में निकाल ली। ये देखें, मैंने सारे शिमला मिर्च रिंग निकाल लिए हैं प्लेट में, आप देख सकते हैं। ये उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी, इसे घर पे ज़रूर बनाएगा, इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज की रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी। शिमला मिर्च रिंग या शिमला मिर्च के पकौड़े।